हे गाइस, व्हाट्सअप। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आज के हमारे इस चौथे दिन के स्ट्रीम में। आज एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पे मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ। जैसे कि ये स्ट्रीम फेस्ट दिसंबर मंथ का, मैं एवरीडे या कुछ ना कुछ स्ट्रीम करने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था और मैंने अपने बहुत सारे सोशल हैंडल्स पे भी डाले हैं। जिन लोगों को पता नहीं, मैं फिर से बताना चाहूँगा कि दिसंबर में मैं 31 तक रोज़ स्ट्रीम करने वाला हूँ। रात को 10 के बाद ही होने वाला है ये स्ट्रीम, क्योंकि मैं ऑफिस से आके थोड़ा फ्री होके फिर स्ट्रीम करने बैठने वाला हूँ। और रोज़ हम लोग कुछ एक्साइटिंग टॉपिक, एक्साइटिंग चीज़ के बारे में कुछ स्ट्रीम करेंगे। आप लोगों को भी बहुत मज़ा आने वाला है। जिन लोग ऑलरेडी ज्वेलरी फील्ड में हैं, या फिर जिन लोग आर्टिस्ट हैं, या फिर जिन लोग डिज़ाइनर्स हैं, या फिर जिन लोग कुछ डिज़ाइनिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रीम बहुत ही यूज़फुल और मज़ेदार होने वाले हैं। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा आर्टिसन अवार्ड के बारे में। तो जैसे कि जिन लोग मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उन्हें ऑलरेडी पता होगा कि लास्ट ईयर नहीं, सॉरी, ये साल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो 2002 का आर्टिसन अवार्ड मिला था मुझे वॉलिस सिम्पसन कैटेगरी में। सो तीन कैटेगरीज थे उसमें। उसमें से एक कैटेगरी में मैं विनर था। मतलब मैं आर्टिसन अवार्ड के इसमें, तो मैं आप लोगों को इसीलिए मोटिवेट करना चाहूँगा कि ये साल भी 2023 का भी आर्टिसन अवार्ड का अभी से एंट्रीज फिलअप हो रहा है। दिसंबर 20 को आपको सबमिट करना पड़ेगा अपना डिज़ाइन। उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा आज अपने इस स्ट्रीम के थ्रू। आप लोगों को हेल्प करना चाहूँगा। आर्टिसन अवार्ड GJEPC, जो जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल है इंडिया की, वो ऑर्गेनाइज करती है हर साल। और इसमें हज़ारों डिज़ाइनर्स ऑल ओवर इंडिया, कभी कभी इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं आर्टिसन अवार्ड में। और इसमें हर साल दो या तीन कैटेगरीज दिए जाते हैं, तो आप किसी भी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और किसी भी दो कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और सिंगल सिंगल डिज़ाइन के साथ। मतलब अगर मैंने सपोज तीन कैटेगरीज है और उसमें से मुझे किसी दो में ए बी या सी है, तो ए और बी में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो मुझे ए के लिए एक स्केच बनाना होगा और बी के लिए एक स्केच बनाना होगा। इस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है। और फिर आपका डिज़ाइन पहले जजिंग होता है वहाँ पे। डिज़ाइन अगर उनको पसंद आता है जजेस को, तो फिर आप फाइनलिस्ट के लिस्ट में जाते हो। फिर GJEPC से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आप एक फाइनलिस्ट हो, तो आपको ये प्रोडक्ट रेडी करके देना है हमें। वो एक टाइम पीरियड रहता है, कभी कभी वो 20 डेज, 1 मंथ या 2 मंथ्स का भी टाइम मिल जाता है वो काम को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर मतलब कैसे, आपने जो डिज़ाइन बना है वो एक्चुअल प्रोडक्ट में आपको बना के देना पड़ता है। कोई भी आप उसमें सिंथेटिक या CZ नहीं यूज़ कर सकते हो। सब रियल कलर स्टोन यूज़ करने हैं, रियल मेटल्स यूज़ करने, लाइक प्रीशियस मेटल्स में जो भी आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद अगर जज को पसंद आ जाता है आपका काम, फाइनल प्रोडक्ट, तो फिर आप विनर हो जाते हो। अभी हर एक कैटेगरी में तीन विनर्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब विनर, रनर अप, सेकंड रनर अप होते हैं, वैसे उसी तरीके से जज किया जाता है। अगर आप लकी हो या फिर अगर आपका काम में उतना यूनिकनेस है, तो चांस है कि आप भी विनर बन सकते हो। और अभी 2023 का जो आर्टिसन अवार्ड का होने वाला है, उसका ऑलरेडी उन लोगों ने अनाउंस कर दिया है। और 20 दिन ही बचे हैं। आपको शायद से दिसंबर 20 को लास्ट रहेगा। यस, दिसंबर 20 को लास्ट सबमिशन डेट रहेगा। तो इस बीच आपको अपना स्केच बना के रेडी करके उन्हें काउंसिल को भेज देना होगा या फिर मेल कर देना होगा, अगर आप फिजिकली जाके नहीं दे सकते तो। आज उसी के बारे में स्ट्रीम करते हैं। मतलब
मैं कुछ सोच रहा था, मैं जैसे लास्ट ये साल मैंने पार्टिसिपेट किया था 2022 के लिए, और मैं एक विनर था एक कैटेगरी में, तो मैं फिर से कोशिश करूँगा पार्टिसिपेट करने के लिए. नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू विन, बट मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और दूसरे डिज़ाइनर्स क्या सोचते हैं, किस तरीके का काम करते हैं, तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं कौन से लेवल पे हूँ और मुझे कितना ज़्यादा मेहनत करना चाहिए. और ये सब पार्टिसिपेट करना एक तरीके से एक बहुत बहुत अच्छा चीज़ है. इस बार ऑलरेडी मैंने भी कुछ प्रिपेयर करने का सोचा है. मैं काम में बहुत बिजी था, तो मेरे पास भी ये वीक है जिसमें मैं कुछ बना के पार्टिसिपेट करने वाला हूँ. बट बहुत सारे न्यू लोग हैं जिन लोगों को ये सब कुछ पता नहीं रहता, तो इसलिए उनको भी मैं हेल्प करना चाहूँगा कि किस तरीके से आप सोच सकते हो आर्टिसन के लिए एक पीस बनाना, एक स्केच बनाना, आर्टिसन के लिए डिज़ाइन क्रिएट करना. आज उसके ऊपर ही हम स्ट्रीम करने वाले हैं. मैं खुद वो ये साल के आर्टिसन अवार्ड जो 2023 आने वाली जो ईयर है उसका थीम क्या है, और उसी में से किसी एक कैटेगरी को लेके मैं आज एक स्केच बनाने वाला हूँ. तो कैसे आइडियाज़ को डेवलप करते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बना रहा हूँ आप वो बना के पार्टिसिपेट कर दो और आप जीत जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है. सब आपके वर्क और कभी कभी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है. और मैं ये जस्ट आप लोगों को गाइड करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ. मेरा इसमें कुछ कोई भी अलग दूसरा कुछ थॉट्स नहीं है. जिन लोग भी देख रहे हैं उन लोग प्लीज़ मिसगाइड नहीं हो जाना. आप लोग खुद से कुछ सोचना और क्रिएट करना, ये जो मैं बनाने वाला हूँ इसको ही कॉपी करके आपको देना, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है. तो हम पहले जाते हैं ऑनलाइन आर्टिसन के वेबसाइट में. पहले मैं ये वॉलपेपर को निकाल लेता हूँ, ठीक है. तो अभी हम जाते हैं आर्टिसन के वेबसाइट में, आर्टिसन अवार्ड 2023. हाँ, सो यहाँ पे आ गया आर्टिसन अवार्ड जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल. फाइन. यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, अनाउंसिंग द सिक्स्थ एडिशन ऑफ द आर्टिसन अवार्ड्स, एंट्रीज ओपन टिल दिसंबर 20. जी, मैंने सही कहा था, दिसंबर 20 को ही लास्ट एंट्री सबमिट होगा. दिसंबर 20 से पहले आप अपना स्केच रेडी करके अगर भेज देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो आप फिर ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे. इस बार इन्होंने क्या थीम रखा है, जाते थोड़ा नीचे जाते हैं. इंट्रोडक्शन में क्या है, आर्टिसन अवार्ड इज एन इनिशिएटिव स्पिरिट बाय जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सब आप पढ़ लेना. थीम क्या है, इंडियन मॉडर्न थीम है, ओके. कैटेगरीज क्या है, आर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, आर्ट ऑफ स्कल्पचर और आर्ट ऑफ प्रिंट. तो आप ये तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हर एक कैटेगरी के अलग स्पेसिफिकेशंस होते हैं, नीड होते हैं. वहाँ पे जिन लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका टर्म्स अच्छे से आप पढ़ लेना. जैसे कि यहाँ पे लिखा है सजेस्टेड मटेरियल्स हैं प्रीशियस मेटल्स, कलर्स जेमस्टोन, इनेमल, डायमंड्स. मतलब इसमें आप हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ इन्होंने बैन नहीं किया है, हर एक चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. और सजेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं नेकलेस, ईयरिंग, रिंग्स. तो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि नेकलेस, ईयरिंग या रिंग ही बनाना है, तो आप इसके अलावा दूसरा कुछ बनाने मत जाना, ठीक है. आप इस एब्स्ट्रैक्ट थीम को लेके कुछ भी क्रिएट कर सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत ह्यूज थीम है, आप कुछ भी कर सकते हो. करोड़ों एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, ठीक है, वाओ. तो आप इमेजेस पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो ये करोड़ों मिलियंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग आप नेट पे देख सकते हो. अभी इसको लेके आप इंस्पायर होके किसी चीज़ को आप थीम पकड़ के उसके ऊपर कुछ बना सकते हो. एब्स्ट्रैक्ट इज ए ह्यूज
मतलब बहुत ह्यूज पर्सपेक्टिव है इसका, एब्स्ट्रैक्ट का, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, फिर है आर्ट ऑफ स्कल्पचर है, आर्ट ऑफ प्रिंट है। तो आर्ट ऑफ स्कल्पचर में भी देखेंगे सजेस्टेड मटेरियल्स क्या है, ऑल मेटल्स। बट यहाँ पे इन लोग ने स्पेसिफाई किया है कि ऑल मेटल्स, कलर स्टोन्स नहीं स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे, इन्होंने डायमंड नहीं लिखा है। तो हम सिर्फ मेटल्स ही यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब है इसमें ना आप कोई इनेमल कर सकते हो, ना कुछ मीन्स ना कोई डायमंड रहेगा, ना कोई कलर स्टोन रहेगा। तो थीम में भी आप देख सकते हो कि जो स्कल्पचर्स है ना, ये वुडन स्कल्पचर है, ये एक ये गोल्डन स्कल्पचर है, गोल्डन लीफ या फिर किसी चीज़ से बना है, फिर दूसरा एक स्कल्पचर है किसी चीज़ का, वो स्कल्पचर। हाँ, तो इसमें आप सिर्फ मेटल ही यूज़ कर सकते हो। हाँ, तीसरा है प्रिंट, आर्ट ऑफ प्रिंट। आर्ट ऑफ प्रिंट में सजेस्टेड मटेरियल्स हैं मेटल्स एंड डायमंड्स, मतलब इसमें आप सिर्फ मेटल और डायमंड ही यूज़ कर सकते हो, कोई कलर स्टोन आप इसमें नहीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और प्रोडक्ट भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि रिंग्स, ब्रोचेस, ईयरिंग्स एंड बैंगल्स। सो इसके अलावा अगर आपके दिमाग में ब्रेसलेट आ जाता है, लूज ब्रेसलेट आ जाता है, तो वो सब आप मत बनाना। चोकर आता है, नहीं बनाना। नेकलेस आता है, नहीं बनाना, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफाई किया कि रिंग, ब्रोच, ईयरिंग और बैंगल। आर्ट ऑफ प्रिंट में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको यही चीज़ में करना होगा। स्कल्पचर में भी इन्होंने क्या प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या दिया था, कफ्स, ब्रेसलेट्स, ब्रोचेस, ईयरिंग्स एंड पेंडेंट्स। सो इन लोगों ने हर एक चीज़ स्पेसिफाई करके ही दिया है, आप जिससे कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुए। तो आप कफ बना सकते हैं, ब्रेसलेट बना सकते हैं, ब्रोच बना सकते हैं, ईयरिंग बना, पेंडेंट बना सकते हैं। तो आपको क्या नहीं बनाना है इसमें, आप नेकलेस नहीं बना सकते, जैसे यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, चोकर नहीं बना सकते आप। ठीक है, आप राउंड बैंगल्स नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ पे ब्रेसलेट स्पेसिफाई किया है। तो इस तरीके से आपको हर एक डिटेल अच्छे से पढ़ना होता है। इसमें और भी बहुत सारी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आप मैक्स टू मैक्स 5 कैरेट डायमंड से ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते, गोल्ड वेट का कोई भी लिमिटेशंस नहीं होता है, बट वो भी एक लिमिट तक ही यूज़ करना होता है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ा भी नहीं पीस बना सकते हो, क्योंकि किसी ना किसी को उस चीज़ को स्पॉन्सर करना है, तो आपको उसका भी सोचना है कि जो मुझे स्पॉन्सर करेगा उसके लिए भी वो चीज़ बजट में हो, तो वो सोच के आपको कुछ डिज़ाइन करना है। तो मैं ये तीनों में से रैंडमली एक थीम सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट ऑफ स्कल्पचर सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ऑल मेटल्स है। मैं कुछ डायमंड्स वगैरह भरूंगा नहीं, जस्ट आपको स्कल्पचर मतलब फ्री हैंड ड्रॉ करके जल्दी हो जाएगा, जल्दी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सो मैं ये थीम सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग गूगल करते हैं बेस्ट स्कल्पचर्स, इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया तो भी गूगल ने सही चीज़ ढूंढ लिया। तो ये सब आप देख सकते हैं, ये सब स्कल्पचर है। अभी स्कल्पचर से आपको ज्वेलरी के साथ भी वो कनेक्ट करना पड़ता है, आप ऐसे ही किसी चीज़ को डायरेक्ट ज्वेलरी में थोप नहीं सकते हो। जैसे कि ये एक स्टैचू है, तो ये स्टैचू को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मे बी इसको एक रिंग बना सकते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, रात का टाइम है और डिनर किया है मैंने जस्ट, तो थोड़ा यॉनिंग तो आप समझ ही सकते हो। सो जैसे ये एक स्कल्पचर है, ये जटायु का है केरला में। आप किसी भी चीज़ को थीम ले सकते हो, लेकिन एक स्टोरी भी रहना चाहिए उसके पीछे, और जजेस को थोड़ा इमोशंस भी पसंद आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी लियोनार्डो न्यूटोनी का भी इसके पीछे कोई स्टोरी रहा होगा, तो फिर वो स्टोरी के हिसाब से हम चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक बच्चा है, तो बच्चा
बच्चा और बच्चे का, माँ एक मदर और चाइल्ड का इमोशन हम जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ कर सकते हैं हम। सो हम लोग फिर ऐसे किसी स्कल्पचर को लेते हैं, सोच के बनाते हैं, ठीक है? तो आज का हमारा थीम रहेगा, आज का थीम रहेगा आर्टिसन अवार्ड 2023। थीम क्या है? इंडियन मॉडर्न कैटेगरी कौन सा चूज कर रहे हैं हम? स्कल्पचर, आर्ट ऑफ स्कल्पचर, ठीक है? अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कल्पचर में हम कुछ भी चीज़ बना सकते, जैसे ये आदमी यहाँ पे बैठा था, मैंने आपको बताया कि रिंग, उस स्कल्पचर का हम चलो रिंग में कुछ बना देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको बहुत सारे रफ स्केचेस पहले बनाने होते हैं, फिर उसमें से आप कुछ फाइनलाइज जीरो डाउन करके वो चीज़ सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। जैसे मैंने ये स्कल्पचर को लिया है, तो अभी मैं ये स्कल्पचर के ऊपर कुछ काम कर देता हूँ। जैसा ये जो स्कल्पचर है, मैं इसको एज इट इज बना के मेरा थोड़ा स्केच जो कुछ ज़्यादा ही रफ होने वाला है, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू एक्सप्लेन कैसे हमें करना होता है, कैसे स्टार्ट करना होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द प्रोसेस, दैट्स इट। सो ज़्यादा इंट्रिकेट स्केच नहीं होने वाला है, या फिर दूसरे मेरे स्ट्रीम में आप जैसे देखते हो कि मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट करता हूँ या फिर कलर करता हूँ। सो हेयर वी आर जस्ट डिस्कसिंग हाउ थिंग्स विल वर्क। सो उसमें इतना ज़्यादा मैं डिटेल नहीं दे सकता, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन होता है और बहुत सारा चीज़ करके मुझे दिखाना होता है, तो उसके हिसाब से। तो ये मैंने, ये जो भी है, कोई भी बड़े ज़रूर कोई महान कैरेक्टर होंगे, नहीं तो इनका स्कल्पचर क्यों बनेगा। सो लेट्स नॉट गो इनटू एनी कंट्रोवर्सी और एनीथिंग, ठीक है? सो ये स्कल्पचर मेरा बन चुका है। रफली स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हो कि ये वही चीज़ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक स्टोन के ऊपर बैठे हैं, तो ये स्टोन के ऊपर बैठे हैं, तो हम एक काम करेंगे, ये स्टोन को ही हम एक रिंग बना लेते हैं, ठीक है? अभी ये फेमस स्कल्पचर है, तो फिर आपको ज़्यादा इसमें स्टोरी बताने की ज़रूरत नहीं है, लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे कि अच्छा ये वो चीज़ है। जैसा अगर आपने पिज़्ज़ा टावर बना दिया, तो सबको पता चल जाएगा कि लीनिंग टावर और पिज़्ज़ा है, तो आपको बाकी का स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो बाय द वे, ये सब आरजीबी लाइट्स वगैरह सब मेरे वाइफ ने मेरे लिए सेटअप किया। शी इज़ ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट माई स्ट्रीम्स एंड एवरी थिंग, एंड आई एम सो लकी फॉर दैट। वो मुझे हर एक चीज़ में बहुत सपोर्ट करती है। सो ये हो गया एक रेफरेंस, ठीक है? अभी ऐसे और भी बहुत सारे रफ स्केचेस आप करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा,
और भी आप बनाएंगे तो और आइडिया आएगा कि अच्छा ठीक है, नहीं ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, फिर आपको और आइडिया आएगा कि ये नहीं बनाना है, ये बनाना है। तो भी और एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पार्टिसिपेशन है इसको आपको बहुत ज़्यादा भी सीरियस नहीं लेना है। मतलब ठीक है, अगर अवार्ड मिला तो ठीक है, नहीं भी मिला तो ये कुछ डिसाइड नहीं करता है आपकी लाइफ का। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो तो आप एक अच्छे डिज़ाइनर हो, तो एक अवार्ड डिसाइड नहीं करेगा कि आप अच्छे डिज़ाइनर हो कि नहीं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर फन, दिस इज़ जस्ट फॉर पार्टिसिपेशन। आपको और भी पार्टिसिपेंट्स के डिज़ाइन देखने मिलते हैं, और भी लोगों के डिज़ाइन, और भी दुनिया में क्या चल रहा है वो देखने मिलते हैं, एंड फॉर दैट सिक्स इट इज़ फाइन। उससे ज़्यादा आपको इसमें बहुत ज़्यादा खुद को खो के एकदम से, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो एकदम डिप्रेस हो जाना, और अगर आपको अवार्ड मिला तो फिर आपको खुद को एकदम भगवान समझ लेना कि अरे, तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली हार्डवर्क से भी ज़्यादा लक फैक्टर भी बहुत काम करता है। क्योंकि कभी बहुत बार आप ऐसे देखेंगे कि डिज़र्विंग चीज़ को लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं। सो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, और इसको इन्जॉय करना है, ये प्रोसेस को, ये चीज़ को। सो आर्ट ऑफ स्कल्पचर में ये एक मैंने रफ स्केच बना दिया, बना के मैंने दिखाया आपको, ठीक है। अभी चलो, अगर हमारे पास टाइम है तो चलो, ये बहुत जल्दी बन गया तो फिर और एक मैं बना के दिखाता हूँ चीज़। जैसे और एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक माँ अपने बच्चे को लेके ये डिज़ाइन मैं अभी बना देता हूँ, जिससे कि आगे जाके मैं कॉपीराइट क्लेम भी कर सकूँ अगर कोई यही डिज़ाइन बनाता है। एक्चुअली मैंने ललाडो करके एक कंपनी है, बहुत दिन पहले, अभी तो ये थीम का बात चल रहा है, बट बहुत दिन पहले मैंने उनके यहाँ पे एक स्कल्पचर देखा था। तो वो कुछ ऐसे था जिसमें एक माँ अपने बच्चे को ऐसे हवे में उछाल रही है, मतलब उसको थोड़ा, उसके साथ प्ले कर रही है, बच्चे को थोड़ा खिला रही है। सो वो मुझे बहुत, मैं इमोशनल हो गया था देख के। और माँ का टॉपिक आते ही तो हर कोई इमोशनल हो जाता है, क्योंकि ये आप सब लोग भी अपने माँ से उतने ही अटैच होंगे जितना मैं अपने माँ से हूँ। सो ये भी एक स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर के ऊपर मैंने कुछ बना दिया। अभी आर्टिसन में बहुत सारी चीज़ आपको नोटिस करना रहता है, बहुत सारे चीज़ आपको ध्यान देना होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं बना सकते, बल्कि बनाएंगे तो फिर वो आपका जो प्रोडक्ट है उसका बजट बढ़ जाएगा, फिर कभी कभी स्पॉन्सर करने वाले को तकलीफ़ हो जाता है। और अगर आप कलर स्टोन भी यूज़ करेंगे तो थोड़े यूनिफॉर्म शेप्स के कलर स्टोन यूज़ करना, क्योंकि आपने समझो ड्रॉ किया है और उसमें आपने कुछ रैंडम ऐसे ऐसे स्टोन्स दे तो दिए, और जजेस को ये चीज़ पसंद भी आ गया, आप फाइनलिस्ट में भी चले गए, फिर जब रियल प्रोडक्ट का टाइम है तभी आप ये कलर स्टोन सोर्स करते करते ही, मार्केट में ढूंढते ढूंढते ही आपका सबमिशन टाइम आ जाएगा। सो ऐसा चीज़ यूज़ करना जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाए, ये सब पे भी रिसर्च कर लेना कि किस तरीके के कलर स्टोन्स, किस तरीके के जेम स्टोन्स जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, क्या प्राइस रेंज में आता है और क्या बजट में आपको बनाना है। मैक्स टू मैक्स 4 to 5 lakhs का बजट रख के चलना चाहिए किसी को भी, तो कोई भी इजीली स्पॉन्सर कर देता है। ऐसे स्पॉन्सर करने में कोई इशू नहीं है, बट हर एक चीज़ सोचना पड़ता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है।
ऐसा नहीं है कि कभी कभी कोई बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी स्पॉन्सर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं कि लाख में, कोई कोई तो करोड़ भी खर्चा कर दिए उनके पास बजट हो, बट हमें बहुत वाइसली कॉन्शियसली सोच के काम करना पड़ता है, क्या कलर कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर रहे हो, और अगर आप डिज़ाइन में वो चीज़ यूज़ कर रहे हो तो एक्चुअल में वो पॉसिबल है कि नहीं। अभी जैसे ये माँ बेटे का थीम है, ये जो स्कल्पचर है इसके ऊपर, इसमें थोड़ा स्टोरी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, ये छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा जो ओवल है, इसे मैं, ये बच्चे का बचपन दिखा दिखा रहा हूँ, ये छोटा सा हिस्सा इसका बचपन है, ये इसका चाइल्डहुड है, और ये जो बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे स्टोरी से आपको कनेक्ट करना होता है, ये बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा हिस्सा इसका बाकी का लाइफ है, जहाँ जहाँ पे ये एडल्ट होगा, बड़ा होगा, फिर शादी करेगा, आगे बढ़ेगा, बुढ़ा होने वाला, तो ये इसके बाकी का लाइफ है और ये इसका चाइल्डहुड है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके चाइल्डहुड और इसका जो मेच्योरिटी लाइफ है उसके बीच में एक गैप है, तो ये गैप को जोड़ के रखा है उसकी माँ ने, तो ये उसकी माँ है जिसने ये दोनों चीज़ का बैलेंस करके उसको लेके चल रही है। अगर ये माँ ने अपना सपोर्ट छोड़ दिया यहाँ से, तो वो चाइल्ड अपना लाइफ अच्छे से नहीं जी पाएगा। सो वो माँ है जो इसे सपोर्ट कर रही है आगे बढ़ने में, आगे बढ़ाने में, नहीं तो इसका चाइल्डहुड सक्सेसफुल नहीं होगा। सो ये थॉट प्रोसेस है ये डिज़ाइन के पीछे। अभी बहुत लोग देख बोलेंगे, अरे स्कल्पचर ही तो बना दिया और क्या करना है। सो इस तरीके से स्टोरी भी कनेक्ट करना होता है कि इसमें ये माँ है, ये बच्चा, ये खेल रहे, ठीक है, फिर ये इसके अंदर एक डीप थॉट भी है कि ये इसका चाइल्डहुड है, ये छोटा सा हिस्सा, और ये इसका एडल्टहुड है जहाँ पे ये जाने वाला है अपनी माँ के सपोर्ट से। अगर माँ अच्छे से पालेगी नहीं, पोसेगी नहीं, तो वो अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। सो हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टोरी लाइन इम्पोर्टेंट है, थॉट प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग समझ गए, तो ऐसे बहुत सारे रफ स्केचेस बना लेना, फिर उसके बाद डिसाइड करना कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 5-10 रफ स्केचेस बना लेना और उसके बाद ही आप फिर कलर कॉम्बिनेशन ये सब सोच के उसको फाइनलाइज कर देना। अभी मैं कौन से मेटल यूज़ करने वाला, इसमें गोल्ड यूज़ करूँगा तो गोल्ड का कलर देके देखूँगा। सो हर एक चीज़ मुझे यहीं पे, अगर स्केच में ही पहले से मैं अच्छे से करके देख लूँ, एक्सपेरिमेंट कर लूँ, तो मुझे आगे जाके तकलीफ नहीं होने वाला। सो वो चीज़ आप ध्यान में रखना, आपको भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा फिर आगे जाके, जो भी सोचना है पहले ही दिमाग में सोच लेना। अभी समझो मैं सोच रहा हूँ ये ऊपर का जो हिस्सा है ये मैं वाइट गोल्ड में रखूँ, और नीचे का जो हिस्सा है मैं येलो गोल्ड में रखूँ, कलर कॉम्बिनेशन करके देखते कैसे लगेगा। अच्छा लग रहा है, सो गुड, इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे फिर। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टार्ट, यू शुड स्टार्ट फॉर प्रैक्टिसिंग टू पार्टिसिपेट इन एनी डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन। दिस इज हाउ द प्रोसेस इज, और इतना क्लियरली आपको कोई बताएगा नहीं, और मैं अगर बता रहा हूँ तो आप अच्छे से उसको, उसका बेनिफिट लीजिए, अपने और भी दोस्त लोगों को हेल्प कीजिए ये शेयर करके, और
नॉट जस्ट बिकॉज मैं अपने चैनल को सपोर्ट करने बोल रहा हूँ आपको, वो आपके ऊपर है करना है कि नहीं करना है, बट मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, सो ये था हमारा आज का आर्टिसन अवार्ड 2023 का स्केच प्रैक्टिस। थीम क्या था? इंडियन मॉडर्न ने कैटेगरी था स्कल्पचर, आर्ट ऑफ स्कल्पचर। उम्मीद है आप लोगों के दिमाग में अच्छे से गया कि क्या होता है आर्टिसन अवार्ड, कैसे इसमें सबमिट किया जाता है। जैसे ही आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जावे, रेंडर हो के E3 पेज में अच्छे से आप माउंट करा के कोई भी अच्छे स्टेशनरी में जाके या कोई भी अच्छे इसमें बुक्स सेंटर में जाके आप वहाँ पे करा सकते हो, प्रिंट सेंटर में जाके आपका डिज़ाइन उनको दे देना, वो माउंट करके दे देंगे आपको A3 पेज में। अच्छा, अच्छे से अच्छा कलर कॉपी, रेंडर्ड कॉपी, आप जितना अट्रैक्टिव होगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, सो आर्टिसन अवार्ड 2023 में अभी भी आज अगर डेट आज 4th है तो अभी भी बहुत टाइम है आप लोगों के हाथ में, इट्स मोर देन 2 वीक्स। सो आप लोग आराम से कुछ सोचिए, कुछ बनाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, इन्जॉय कीजिए प्रोसेस को, ज़्यादा सीरियसली मत ले लीजिए ये प्रोसेस को, आपको इन्जॉय करना है। और भी डिज़ाइनर्स क्या पार्टिसिपेट करते हैं, वो जो बज़ है उसका मज़ा आता है, तो वो लेना है आपको। इसमें आपको बहुत एक्सपीरियंस भी गेन करने मिलेगा, जो विनर है वो क्यों विनर है, जो नहीं विनर हुआ क्या रीजन से, कभी कभी लॉजिकल रीजन्स भी होते हैं, कभी कभी लक फैक्टर भी होता है। सो हर एक चीज़ को डिड्यूस करना, हर एक चीज़ को जानना अच्छे से, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। ठीक है, मैं बहुत पहले ये सब चीज़ में इतना खुद से जाता नहीं था पार्टिसिपेट करने किसी भी चीज़ में, मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्यों ऐसे एक अवार्ड क्यों डिसाइड करें कि मैं कितना अच्छा डिज़ाइनर हूँ। बट फिर मुझे पता चला कि रियलाइज़ हुआ कि ये गलत चीज़ है, मुझे ये सब चीज़ में क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। अभी आर्टिसन 2022 में मैंने जब पार्टिसिपेट किया आर्टिसन इसमें ये साल के, तो मुझे बहुत डिज़ाइनर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, जिसमें से एक डिज़ाइनर थे जिनका काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो उनका काम देख के मुझे लगा कि मुझे भी और अब खुद को इम्प्रोवाइज़ करना चाहिए। तो जो अवार्ड मिला मुझे फर्स्ट रनर अप का, वो अवार्ड, वो कैश प्राइज, वो तो साइड में, वो तो एक लाइमलाइट है, उसका मज़ा आया, वो तो है ही, वो एक गेन है, एडवांटेज है, बाय गॉड ग्रेस वो चलो मिल गया, बट उसके साथ साथ मुझे कितना एक्सपीरियंस मिला। अभी अगर ये मुझे अवार्ड नहीं भी मिला होता तो मैं एटलीस्ट ये प्रोसेस को एंजॉय कर लेता कि ये सब मुझे करने मिल रहा है। सो आप लोगों भी ऐसे ही सोच के इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और उम्मीद है कि आज का ये जो वीडियो है इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा, किस तरीके से कैसे पार्टिसिपेट करना है, और छोटे छोटे चीज़ें जैसे कि डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आप उसका मेजरमेंट लिख के, ये इतना XYZ सेंटीमीटर का, XYZ MM में आपको सब लिखना है, क्योंकि MM में कैलिब्रेट करते हैं हम ज्वेलरी को, हर एक चीज़ को ज्वेलरी के, सो कितना डिस्टेंस है क्या, ये जितना डिटेलिंग आपका अच्छा रहेगा उतना चांसेस है कि जजेस को वो पसंद आए और आपको वो फाइनलिस्ट करें, फिर आप फाइनल प्रोडक्ट में भी उतना मेहनत करना, एलिवेशंस पे ध्यान देना, फाइनल प्रोडक्शन में आपने जैसा सोचा था वैसे वो बना है कि नहीं उस पर आप ध्यान देना, फिर अगर आपका फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा होता है तो आपका मेहनत प्लस लक फैक्टर भी एक है, ठीक है, वो मैं ना नहीं बोलूँगा। सो ये दोनों चीज़ अगर मैच हो गए तो अवार्ड आपका, और अगर अवार्ड नहीं भी मिला तो कोई नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने मिला, ये भी बड़ी चीज़ है। ठीक है, so let be happy for what we get in life, so there's nothing to lose, we always gain something, it may be something
जो जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, जिसको हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, और समटाइम इट इज़ एक्सपीरियंस, यू नो. सो देर इज़ नथिंग टू लूज, एंड ऑल द बेस्ट आर्टिसन अवार्ड 2023 के लिए. आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और भी लोगों को बताइए, अवेयरनेस क्रिएट कीजिए. ऐसे और भी कॉम्पिटिशन्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे की वीडियोस में, कैसे पार्टिसिपेट किया जाता है. और जस्ट इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल डिज़ाइनिंग कॉम्पिटिशन्स है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. सो वो सारे डिटेल्स के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ. तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच. और ये वीडियो को आप वापस स्टार्ट से देख सकते हैं मेरे चैनल पे, द ज्वेलरी डिज़ाइनर विष्णु में. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा. सो नथिंग टू वरी, एंड वंस अगेन थैंक यू एवरी वन फॉर बींग विथ मी इन दिस स्ट्रीम. बाय बाय, टेक केयर.